हम यार हारे हुए लोग हैं, मैं सच में बता रहा हूँ, हम ज्यादा जीतते नहीं है। इट्स लाइक जेम्स गन का बेबी, राइट? माइकल कीटन का जो बैटमैन है। नमस्कार खूबसूरत दोस्तों, एक्चुअली डेली वीडियो शूट करे बिना मेरा मन सा नहीं लग रहा, तो मैं फिर से इसीलिए आ गया हूँ। एक और वीडियो, एक और नया दिन। किस बारे में बात करेंगे? बात करेंगे भाई फ्लैश के बारे में। फ्लैश के ट्रेलर के बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, अभी दोबारा से थोड़ी सी और डिटेल में बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ट्रेलर 2 आ गया अभी रिसेंटली, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस किस तरह से मैंने एडजस्ट करी आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर 2, वही डिस्कस करने के लिए आया हूँ। करते हैं वीडियो को इन 3, 2, 1। देखो जनाब, फ्लैश का ट्रेलर नंबर 2 बहुत ही स्मार्टली, अच्छे तरीके से इन्होंने क्लेवरली एडिट करके पोस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सिमिलर शॉट्स हैं जो पहले वाले उसमें थे। एकदम वैसा सा ही लगता है, जैसे आप देखोगे ना उसको, पुराने वाले को और अभी वाले को, तो ऐसे सिमिलर सा लगेगा काफी। ये ना एक तरह का सेफ प्ले होता है कि आपको पुराने वाला जो हाइप है उसी को मेंटेन करना है और आपको आगे कंटिन्यू करना है उसी हाइप पे बिल्ड करके, नई चीजें, थोड़ी बहुत चीजें टीज करके आपको दिखानी है। आदिपुरुष के साथ जो खराब चीज हो रही है ना, वो यही हो रही है कि उन्होंने जो पहला इनिशियल जो हाइप था वो बिल्ड नहीं कर पाए। अब वो पोस्टर्स रिलीज कर करके हाइप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिर्फ पोस्टर पहले आए होते और वो ट्रेलर नहीं आया होता, तो आई थिंक बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिलता आदिपुरुष को। फ्लैश के साथ ऐसा नहीं है, फ्लैश की मूवी के लिए शुरू से एक्साइटेड। इनके जो एक्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। एज्रा मिलर की पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सलमान खान की पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करते, तो एज्रा मिलर के बारे में क्यों करें। फ्लैश मूवी में ना इसके अंदर 2 सुपरमैन है, 2 बैटमैन है, 2 फ्लैश है, सब कुछ 2-2 हो रहा है। 2 सुपरमैन कैसे? सुपरमैन लेडी वाली फीमेल सुपरमैन है और जॉर्ड है, दोनों क्रिप्टोनियन हो गए। क्यों 2 हो गए? क्योंकि फ्लैश ने क्या किया, इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो इसने सोचा कि अब उन दोनों को जिंदा रखना है। बट जब ये करता है तो ये पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स का बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से 2 बैटमैन भी हो जाते हैं इसके साथ साथ। और बैटमैन कौन से 2 है? माइकल कीटन का बैटमैन, जो कि 70 ईयर से ऊपर हो चुके हैं, 70 साल के हैं वो, और साथ में बेन एफ्लेक वाला बैटमैन, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेन है। अब विलन पता नहीं कौन है, बट जो भी है विलन, मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैश खुद होगा, क्योंकि मॉरल चॉइसेस अगर किसी भी सुपर हीरो के सामने होती है तो हमें शायद अच्छा लगता है, हमें देखना अच्छा लगता है, क्योंकि सुपर हीरोज में हम अपने आप को ढूंढते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूवीज को ऐसे देखते हैं, पहले मूवीज ऐसे ही बना करती थी, अब ऐसे नहीं बनती है। बट आई थिंक फ्लैश जब मल्टीवर्स का बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है, तो फ्लैश जब उस यूनिवर्स के फ्लैश से मिलता है जहां पे उसके पेरेंट्स जिंदा हैं, तो अब वो उसको खोना नहीं चाहता है। मरे हुए पेरेंट्स वाला फ्लैश, जिंदा पेरेंट्स वाला फ्लैश, के बीच में जो मॉरल जो खींचातानी होगी ना, वो देखने लायक होगी। इस तरह से जॉर्ड को, मुझे नहीं लगता कि जो ये वाली गर्ल है नहीं मारेगी जॉर्ड को, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ये मल्टीवर्स अलग है। ऐसे ही अपने बेन एफ्लेक का कैरेक्टर बहुत कम नजर आ रहा है, दिखाई भी 1 या 2 सीन्स में दिया, तो उतना ही कम आई थिंक मूवी में भी होने वाला है। माइकल कीटन का जो बैटमैन है, दैट इज गोइंग टू बी द गाइडिंग लाइट फॉर अपना फ्लैश। वो उनको सही राह दिखाएगा, वो उनको मॉरल ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो स्वयं अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, और ऐसे यूनिवर्स में प्रेजेंट होना बैरी के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जहां पे उसके पेरेंट्स जिंदा है। बट एक और बैरी भी तो है, एक और फ्लैश भी तो हो सकता है, और एक और विलन भी तो क्रिएट हो सकता है इससे, तो वही विलन क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। अच्छी चीजें तो इसमें बहुत सारी है, बहुत ज्यादा CG यूज किया गया, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इफेक्ट्स है, बहुत ज्यादा स्पेशल एवरीथिंग। मैं उस एक शॉट की बात करना चाहता हूँ कि यार भाई वो था क्या, मैं उसका वीडियो भी चला देता हूँ यहाँ पे। मतलब ये क्या हो रहा है, ये तीनों लोग ऐसे स्पॉन्ज की तरह आके स्पॉन्ज की तरह ऐसे क्यों हो रहे हैं, और इसके अंदर बिल्कुल कुल भी, मतलब जो CG का जो क्वालिटी है या विजुअल इफेक्ट्स का जो क्वालिटी है, बहुत बुरा है। और $multi-million फिल्म, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर लगाने के बाद अगर आप ये क्रिएट कर रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए भाई साहब आपको। DC वॉर्नर ब्रदर्स, दिस इज नॉट डन। और अगर अभी पिक्चर रिलीज नहीं हो, तो अभी बहुत वक्त है, इसको फिक्स कर लेना, क्योंकि अगर इतना गंदा अगर मूवी के टाइम पे हुआ ना, तो बहुत लोग गालियां देने वाले हैं तुम लोगों को। मैं एक्चुअली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को इतने ज्यादा अच्छे रिव्यूज मिल गए हैं। देयर कॉलिंग The best Marvel film after Endgame. Can you imagine how bad Phase 4 was? ये movie जो अब आ रही है, ये best Marvel film है after Endgame. इतनी सारी गंदी movies और TV shows आने के बाद, कम से कम 20 से ऊपर, this is the movie. जो भी है, excitement इसीलिए है क्योंकि अच्छी superhero film with good VFX, और वो भी Marvel की ऐसे characters के साथ जिनको हम already जानते हैं। और I think ये James Gunn का last project है, तो इसकी बात करना अहम इसीलिए क्योंकि James Gunn अब DC को run करते हैं, so which is weird and cool. The same
सेम टाइम, बट इट्स लाइक जेम्स गन का बेबी, राइट? तो जेम्स गन का बेबी अच्छा होना चाहिए द लास्ट, और वो सच में अच्छा है. और जेम्स गन उधर आ गए, उधर फ्लैश भी अच्छी हो गई. फ्लैश में भी मस्त सुपर हीरो का कुछ 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 दिखा दिया, तो बहुत ही मजे आ जाएंगे. और ऊपर से साथ में कोई और कैमियो आ गया जिसका कोई मतलब नहीं हो आगे फ्यूचर मूवीज के लिए, तो भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हमें एज फैंस हमें एक्साइटमेंट होती है थिएटर में जाके उस समय के लिए अच्छा फील करने की. उसके बाद हम जो भी करें उससे मतलब नहीं, हमारा वहां का जो टाइम होता है, जितना ड्यूरेशन हम थिएटर में, वो हमें एंजॉय करना चाहिए, जो कि आई थिंक फ्लैश और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी मूवीज करती हैं. सुपर हीरो फिल्म्स सच में बहुत ज्यादा होप देती है इंसान को. हम यार हारे हुए लोग हैं, मैं सच में बता रहा हूँ, हम ज्यादा जीतते नहीं है लाइफ में. हम हारते ज्यादा है, जीतते कम है, पर वो जीत होती है वो छोटी छोटी खुशियां होती है जिनसे वो हार जो है बिल्कुल नलीफाई हो जाती है. और ये बात आप भी मानते होंगे, यही चीज आई थिंक सुपर हीरो फिल्म्स में भी होती है कि वो हारते ज्यादा है, बट जब एंड में सुपर हीरो जीतता है ना, वो देखने लायक चीज होती है. और उसी को देखने के लिए हम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी देखेंगे, उसी को देखने के लिए हम फ्लैश देखेंगे, और उसी को देखने के लिए मैं भी जाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे उसकी, ठीक है? इसी के साथ करते इस वीडियो को खत्म. ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का. आपको फ्लैश का ट्रेलर कैसा लगा जल्दी से कमेंट्स में बताओ. कुछ ओपिनियन हो, कुछ बातें गलत वलत बोली हो मैंने, तो वो भी बताओ. इसके साथ करते इस वीडियो को खत्म. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट. पीस.